गैज, अगर आप इंडिया में रेडमी 13C जो 5G मॉडल है यूज़ करते हो, तो भाई फाइनली यार इस डिवाइस के लिए हाइपर ओएस का जो फर्स्ट अपडेट है वो इंडिया में कल की डेट में यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। इस अपडेट की मैं बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो 1.0.2.0 है, और ये जो अपडेट है वो यहाँ पर 4.3 GB का देखने को मिला है, क्योंकि भाई इस अपडेट में आपको एंड्रॉयड 14 का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यार इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल फीचर रिव्यू देने वाला हूँ कि भाई एग्जैक्टली यार इस अपडेट में आपको रेडमी 13C 5G के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, और ये अपडेट कैसा है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बग्स वगैरह देखने को मिले नहीं मिले, और फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। हालांकि फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अगर मैं इस अपडेट की बात करूं तो ये अपडेट बहुत ज्यादा बेटर है, और इस अपडेट में आपको एंड्रॉइड 14 का भी सपोर्ट यहां पर देखने को मिला है। ये जो अपडेट है वो आपको एंड्रॉइड 14 के साथ यहां पर मिल रहा है। इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का जो एनिमेशन भी है वो मिल जाता है। हालांकि जितने भी एंड्रॉइड अपडेट्स आते हैं कुछ ना कुछ तो एनिमेशन डेफिनेटली यहां पर मिलता है, तो इसमें ये स्पेस टाइप का जो एनिमेशन है वो मिलता है। अगर आप टैप एंड होल्ड करोगे तो ये एनिमेशन मिलता है, तो ये अच्छी चीज है जो कि यहां पर देखने को मिली है। अब यहां पर मैं फीचर्स वगैरह की बात करूं तो यहां पर आप ये मत चेक करना, यहां पर मैंने इस डिवाइस में नॉच जो है वो इनेबल किया हुआ है, इसलिए जो डिस्प्ले थोड़ा सा नीचे आ रहा है। आप भी कर सकते हो, ये स्टाइल काफी अच्छा लगता है जिसमें आपको नोटिफिकेशंस वगैरह, और ये बैटरी के आइकन है, 5G आइकन है, और यहां पर इसका जो वाईफाई का आइकन है ये सब ऊपर दिखते हैं, मतलब अलग दिखते हैं, और यहां पर इसका जो नॉच है वो कैमरे का वो मतलब पूरा यहाँ पर सेपरेट आ जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं फीचर्स वगैरह की यहाँ पर बात करूं जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो है यहाँ पर इसका हाइपरओएस स्टाइल। ये जो आपको लॉक स्क्रीन हाइपरओएस स्टाइल दिख रहा है, ऑलमोस्ट ये सारे ही डिवाइसेज में जितने भी हाइपरओएस के डिवाइस आ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी हाइपरओएस के अपडेट्स आ रहे हैं सारे ही डिवाइसेज में ऑलमोस्ट ये फीचर यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन कुछ में कम है कुछ में ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो तीन मोड्स मिलते हैं जिसमें लॉक स्क्रीन स्टाइल है, क्लासिक है, और यहाँ पर रोम्बस आपको मिल जाता है। ये एक जो अपडेट है ये बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल है, इसके अंदर आपको नेक्स्ट लेवल की कस्टमाइजेशन यहाँ पर मिलती है। ये काफी सारे जो फीचर है वो कस्टमाइजेबल है, जिनमें आप काफी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देन यहाँ पर इसका जो टाइमर वगैरह है इसका भी लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप जो है यहाँ पर इसके भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें आप यहाँ से लगा सकते हो, ये कस्टमाइजेबल है। देन यहाँ पर इसका जो यहाँ पर क्लॉक स्टाइल है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल डिजाइन मिल जाते हैं जिनको इजिली आप यहाँ से यूज भी कर सकते हो। सिग्नेचर भी आप अपना यहाँ से लगा सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। देन पाउंड सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पाउंड का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, कुछ इस तरीके से डायरेक्टली आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर कलर ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो कलर में भी आपको सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कलर्स को चेंज करने के लिए, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। देन इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ये कस्टमाइजेबल है। देन इसके बाद यहाँ पर नीचे वाला जो सेक्शन है ये भी आपको मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें आप कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हो। देन उसके साथ यहाँ पर आपको वॉलपेपर सेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, तो डायरेक्टली ये रीडायरेक्ट कर देता है वॉलपेपर सेक्शन में, जिसमें आपको हाइपरओएस के काफी सारे जो नए वॉलपेपर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनको इजिली आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर फिल्टर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको काफी सही जो ऑप्टिमाइजेशन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का जो लॉक स्टाइल है वो यहाँ पर मिलेगा, ये डिजाइन को चेंज करता है, और यहाँ पर आपको मैट इफेक्ट नाम का ये फीचर मिलता है, इसको भी आप ट्राई यहाँ से कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ये फीचर बहुत अच्छा है, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो थीम है वो डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, जो कि देखने में भी एक नेक्स्ट लेवल का लुक आपके डिवाइस को यहाँ पर देता है। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई ऑफिशियल कंट्रोल सेंटर भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ये हाइपर उसका, हालांकि बिलर वगैरह नहीं है, मैंने किया हुआ है, सारे डिवाइस में ये ट्राई कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हो। इस पर ऑलरेडी चैनल पर काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है जिनको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें आपको नए टॉगल्स भी मिल जाते हैं जिनको आप डायरेक्टली यहाँ से प्लस कर सकते हो, देन यहाँ से आप इसको माइनस भी कर सकते हो, तो ये फीचर बहुत अच्छा है। देन एनिमेशंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे एनिमेशंस काफी तगड़े यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस तरीके से, ये जो एनिमेशंस है बढ़िया एनिमेशंस मिल रहे हैं। देन यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर ये एनिमेशंस बहुत बढ़िया हैं जो कि आपको मिल रहे हैं। देन यहाँ पर आपको पॉपअप टाइप के भी जो एनिमेशन है वो यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, ये जो पॉपअप एनिमेशन है ये भी देखने को यहाँ पर मिलता है। तो एनिमेशंस बढ़िया, अगर आप 6GB रैम वाला डिवाइस यूज करते हो तो एनिमेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से सारे एनिमेशंस यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट्स वगैरह की मैं बात करूं तो भाई सिक्योरिटी ऐप के अंदर आपको काफी सही और काफी तगड़े ऑप्टिमाइजेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप जाओगे डायरेक्टली तो यहाँ पर आपको बहुत सही ऑप्टिमाइज
बाद इश्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बैटरी सेक्शन की बात करूं तो इसका जो लेआउट है और जो डैशबोर्ड है वो टोटली यहाँ पर चेंज किया गया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू हाइपरस वाला लेआउट मिल जाता है। हालांकि कुछ एपीकी इसकी मदद से हम कुछ चीज़ें पहले भी एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन ये ऑफिशियल है। और यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस है, अल्ट्रा बैटरी सेवर है और बैटरी सेवर वगैरह भी आपको मिल जाता है। चेक यहाँ पर ये जो बैटरी चेकअप नाम से फीचर, इसमें भी आप जा सकते हो। इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनको यहाँ पर जो है ऑन ऑफ करके आप बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर एडिशनल फीचर्स के नाम से मिलता है जिसमें आपको 5G वगैरह भी मिल जाता है। और 5G इसका बढ़िया काम कर रहा है, सब अच्छे तरीके से वर्किंग है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो डैशबोर्ड है वो टोटली यहाँ पर चेंज हो चुका है, जो कि हाइपरवेस में आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड के अंदर भी एक नया फीचर मिलता है। आप देखोगे डायरेक्टली साइलेंट मोड वगैरह आपको सब यहीं पर मिलेगा। इसको ऑन करोगे या फिर ऑफ करोगे तो ये सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और DND एक्टिवेट करोगे तो वो भी यहीं पर आएगा। और यहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशंस भी आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी कुछ सेटिंग्स है जिनको अवेलेबल ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स भी आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो नया चार्जिंग एनिमेशन भी आया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप चार्जिंग यहाँ पर पुट करते हो कुछ इस तरीके से तो चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर टॉप के ऊपर ही देखने को मिलेगा, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हो, जो कि देखने में भी एक नेक्स्ट लेवल का लुक आपको दे रहा है। तो भाई चार्जिंग एनिमेशन का जो नया ऑप्शन है वो इस अपडेट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल, जिसको आप इजीली यहां से ट्राई कर सकते हो। तो ये जो अपडेट है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, जिसमें कोई भी दिक्कत वगैरह मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है। देन यहां पर मैं कैमरा सेक्शन की अगर बात करूं तो कैमरा क्वालिटी में भी काफी ज्यादा सुधार यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखोगे लैगिंग और हैंगिंग की कोई भी एक्टिविटी वगैरह अभी तक स्टिल मुझे देखने को नहीं मिली है इस अपडेट में, क्योंकि मैंने इसको कल ही ट्राई कर लिया था। उसके बाद यहां पर आपको और भी काफी सारे जो ऑप्शन है मिल जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है 30 FPS वगैरह मिल जाती है, टाइमलैप्स वगैरह जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस हैं, 50 MP वगैरह में भी आप यहाँ से जो फोटोज वगैरह है वो कैप्चर कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी में काफी ज्यादा सुधार है। बिल्कुल आप देखो यहाँ से लैगिंग और हैंगिंग की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं। तो कैमरे की क्वालिटी में भी मच बेटर जो इम्प्रूवमेंट है वो मिल जाता है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखो कुछ और नए सेक्शंस मिलते हैं जिसमें यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, जिनको इजिली आप यहाँ से ट्राई कर पाओगे। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो आप डायरेक्टली अगर सेटिंग सेक्शन में जाओगे तो भाई इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे और भी बहुत सारे फीचर, हालांकि यहाँ पर आप इंटर कनेक्टिविटी को भी यूज कर सकते हो, ये मैंने इनेबल किया हुआ है, इस अपडेट वगैरह में नहीं आता है। इसके लिए कुछ APKs वगैरह अवेलेबल है जिनकी मदद से आप ये जो है वो इंटर कनेक्टिविटी फीचर जो है वो भी आराम से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो ये फीचर बढ़िया है। लॉक स्क्रीन स्टाइल में अगर आप जाते हो तो इसके अंदर भी आपको काफी सही ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ट्राई कर सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन शेड वगैरह में जाओगे तो इसके अंदर भी छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर शो लेवल्स वगैरह के फीचर हैं जिनको आप यहाँ से ट्राई कर पाओगे। होम स्क्रीन में अगर आप जाओगे तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसमें अगर आप स्वाइप अप में क्लिक करोगे सर्च कंटेंट सेंटर है, नॉन है, और स्वाइप डाउन में क्लिक करोगे तो ऐप फाइंडर वगैरह भी मिल जाता है। तो ऐप फाइंडर वगैरह कैसे काम करता है वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और उसके साथ ही यहाँ पर जेस्चर वगैरह भी इसका बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी इशू अभी तक देखने को मुझे नहीं मिला है, परफेक्टली ये चीजें काम यहाँ पर कर रही हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप के फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, 90 Hz तक जो सपोर्ट है वो आपको मिल जाता है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एप्स वगैरह में आप इसको ट्राई नहीं कर पाओगे, ये सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर भी आपको काफी सही ऑप्टिमाइजेशंस मिलते हैं, हालांकि मैंने कुछ APKs भी इंस्टॉल की हुई हैं जिसमें वॉलपेपर क्रिटजोल है, इसको भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस भी मिल जाते हैं और लॉक स्क्रीन स्टाइल भी आपको यहीं से एक्सेस करने के लिए मिल जाता है, जिसको आप इजिली ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर फाउंड सेक्शन भी आपको मिल जाता है, जिसमें साइज घटा बढ़ा सकते हो, आइकन वगैरह का साइज भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं जो कि यार इस अपडेट में आपको यहाँ पर मिलती हैं। और उसके साथ ही अगर मैं कुछ और ऑप्टिमाइजेशंस की बात करूँ जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त चीजें हैं, जो कि एडिशनल सेटिंग में अगर आप जाते हो और यहाँ पर आपको जो है फ्लोटिंग सेक्शन मिल जाता है, फ्लोटिंग सेक्शन में साइड बार भी आपको यही मिलता है, और साइड बार में यहाँ पर साइड टूल बॉक्स के नाम से ये फीचर आया हुआ है, जो कि लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें आप यहाँ से अगर कुछ फ्लोटिंग सेक्शंस में कुछ विंडोज को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन भी मिलता है, जो कि काफी तगड़ा एनिमेशन है, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है। तो 6 GB वेरियंट में आप एक टाइम पे 2 विंडोज को एक्सेस कर सकते हो। देन उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ और फीचर्स की, जैसे कि यहाँ पर आप जो है स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एक टाइम पे 4 विंडोज को यूज कर पाओगे, जो कि देखने में भी काफी अच्छी लगती हैं। और उसके साथ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो ये फीचर मुझे काफी सही लगा, जो कि यहाँ पर यूजेबल है, हालांकि इसमें अभी सही से काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ बग्स वगैरह भी डिटेक्ट हुए हों,
लेकिन ये चीज़ें जो है वो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, जो कि अच्छे से काम भी कर रहे हैं, जिनको आप इजीली यहाँ से ट्राई कर पाओगे। और यहाँ पर आपको मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर मिलता है, जिसमें आपको अप टू 6 GB रैम को इंक्रीज करने का फीचर मिलता है, जो कि वर्चुअल रैम आप क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास 6 GB वेरियंट है तो आपको 6 GB और बढ़ाने का फीचर यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि HyperOS 2.0 में 12 GB से 16 GB तक का सपोर्ट मिलेगा, 10 to 16 GB, लेकिन यहाँ पर आपको 6 GB में 6 GB का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप ट्राई यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद एक्सेबिलिटी वगैरह में अगर आप जाते हो, विजन में आप जाते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कलर इन्वर्शन का भी फीचर मिल जाता है। तो इसमें आपको कलर इन्वर्शन का फीचर मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है। इसका बबल वगैरह भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जो कि मूवेबल है। ये बढ़िया चीज़ है, इसको आप इजीली यहाँ से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हेयरिंग में जाओगे तो वीम फोन नोटिफिकेशन का फीचर मिल जाता है। कैमरे की फ्लैश भी यहाँ पर फ्लैश होती है, अगर आपके फोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है। और यहाँ पर स्क्रीन में अगर आप जाओगे तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका स्क्रीन कलर चेंज करेगा अगर आप कोई नोटिफिकेशन को एक्सेस करते हो। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी सही लगी, और इस अपडेट में ये परफेक्टली काम कर रही है, जिसको आप इजीली यहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको ये एडिट ऑप्शन वाला भी मिल जाता है, जिसमें आप अपना साइज घटा बढ़ा सकते हैं सुपर फोल्डर में। और उसके साथ ही आपको और भी काफ़ी सारे मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जो कि यार परफेक्टली इस अपडेट में यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है वो एप्स वर्ल्ड के अंदर जाते हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ से आपको कोई विजिट अच्छा लगता है तो उसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये फीचर अब आ गया है, पहले नहीं था। अब डायरेक्टली आप इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से होम स्क्रीन पे जो है वो शिफ्ट कर सकते हो, जो कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाता है। तो इस अपडेट के अंदर ये काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। हालांकि फीचर्स और भी हैं, लेकिन ये एक क्विक रिव्यू है। डिटेल्ड में एक और रिव्यू मिलेगा जब स्टेबल अपडेट आए। हालांकि ये अपडेट जो है वो बीटा है, और स्टेबल आने में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर फिक्स होंगी। उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है वो एक नया एनिमेशन भी मिल जाता है, मतलब डिवाइस को रिबूट करने वाला, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइस को रिबूट करोगे तो यहाँ पर अब पावर्ड बाई HyperOS लिखकर आएगा। ये चीज़ जो वो चेंज हो चुकी, पहले MIUI आता था, बट अब यहाँ पर Xiaomi का जो HyperOS है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा, पावर्ड बाई HyperOS। हालांकि कैमरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ब्लर नहीं कर पा रहा है सही से। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि यार इस अपडेट में मिलती हैं। तो ये अपडेट ऑलमोस्ट आ चुका है यहाँ पर टेस्टर्स के लिए, जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में, मतलब एक वीक के अंदर, डेफिनेटली ये अपडेट जो है वो सारे यूजर्स को भी देखने को मिलेगा, जिसको आप ट्राई यहाँ से कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी Redmi 13C 5G से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज मिलेंगे, जिसको आप देख पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।